ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। हमें लगता है कि जो जो लोग इस बिल की आड़ में राजनीति कर रहे हैं उनको अंततः नुकसान होगा। मैं चाहता हूँ सब लोग संयम से काम लें। हिंसक वारदातों से मैं समझता हूँ देश और समाज का कभी भला नहीं हो सकता। कौन किस धर्म का ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारा रास्ता है देश का, उससे अगर कोई भटकेगा तो उसको वापस रास्ते पे लाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। एनआरसी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। अहिंसक प्रदर्शन से लेकर हिंसक प्रदर्शन तक भारत की सड़कों पर हो रहा है। आज जयपुर में भी बड़े पैमाने पर बीजेपी का प्रदर्शन है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। समर्थन में हमारे साथ हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि ये हिंसा जो है ठीक नहीं है? बिल का विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए। बिल के पक्ष में हो या बिल के विरोध में हो, हिंसा मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है। ये महात्मा गांधी जी का 150वीं वर्षगांठ का साल है। हम सब लोगों को ये छूट है, अधिकार है, अपनी बात को रखें, मजबूती से रखें। प्रदर्शन की छूट होनी चाहिए, छात्रों को, युवाओं को, सब लोगों को बात रखनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का एक दमन करने की प्रवृत्ति सामने आई है, जिस प्रकार से पुलिस का एक फोर्स, एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया, दिल्ली में कई यूनिवर्सिटीज में किया गया, देश के अलग अलग कोनों में आज जो खबरें आ रही हैं, हिंसा को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। मैं चाहता हूं सब लोग संयम से काम लें। हिंसक वारदातों से मैं समझता हूं देश और समाज का कभी भला नहीं हो सकता, लेकिन जो वातावरण निर्मित हुआ है उसमें अपनी बात रखने की आजादी हर व्यक्ति को है और रखनी चाहिए। ये जो नागरिकता को लेकर विवाद छिड़ा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज देश में आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको प्याज 150 रुपए किलो हो रहा है, उसकी चर्चा कोई नहीं करना चाह रहा है केंद्र में, और सब इसको लेकर पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं। हमें लगता है कि जो जो लोग इस बिल की आड़ में राजनीति कर रहे हैं उनको अंततः नुकसान होगा। और हम सब लोग समझते हैं कि जो संविधान की मूल भावना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो उस पर प्रहार किए जा रहे हैं, संविधान की भावना के ऊपर, संविधान के जो हमारे फंडामेंटल्स हैं उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि सामने आए, अपनी बात को रखें। बीजेपी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और हमें उनको यहां पर शरण देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हर कोई व्यक्ति जो भारत की नागरिकता चाहता है और वो मापदंड पूरे करता है उसको हम नागरिकता दे सकते हैं, लेकिन किसी को नागरिकता ना दें सिर्फ इसलिए कि वो किसी मजहब से संबंध रखता है, ये गलत है, ये मूल भावना के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत की प्रभुत्वता पे खतरा है, उस व्यक्ति को नागरिकता नहीं देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए ना दें क्योंकि वो फला फला धर्म को फॉलो करता है, ये गलत है। अगर आप किसी को नागरिकता देना चाहते हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय उसको आप ठीक समझते हैं, आप दे सकते हैं, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। पहली बात तो हमारे पास आज जो विस्थापित देश में है उनका ध्यान रखना चाहिए, बजाय कि हम और लोगों लेकर आए। लेकिन अगर लाते भी हैं बाहर से नागरिकता देने के लिए, तो उस व्यक्ति को आप डिस्क्वालीफाई कर दें क्योंकि किसी मजहब में बिलीव करता है, वो हमें समझता हूं भारत के जो हमारे संस्कार हैं उसके खिलाफ है। और इस एक्ट के माध्यम से पहले भी संशोधन हुआ है इस बिल में, कई बार इस एक्ट में, लेकिन पहली बार है कि संशोधन को उतना विवादित किया गया है और जानबूझ के किया गया है। चुनाव नजदीक है इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें राजनीति हो रही है। यही उनका आरोप है कि अल्पसंख्यकों के मन में एक डर पैदा कर रहा है विपक्ष। आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह के डर के माहौल से प्रदर्शन हो रहा है या फिर जेन्युइन है उनका कंसर्न? कंसर्न नागरिकों का है। इस देश में जिन लोगों को कल डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया है, कौन किस धर्म का, ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारा रास्ता है देश का, उससे अगर कोई भटकेगा तो उसको वापस रास्ते पे लाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, उद्योग लगे, निवेश हो, रोजगार मिले, भारत मजबूत बने, इस पे काम करना चाहिए, ना बनस्पत इस पे कि हम धर्म की राजनीति करें, ऐसे विवादित विधेयक लेकर आए जिससे देश में दोफाड़ हो जाए। इस प्रकार की राजनीति से कोई भला नहीं होने वाला है। अब तो बीजेपी भी मैदान में उतर गई है और केंद्रीय मंत्री भी सड़क पर उतर रहे हैं प्रदर्शन में समर्थन। लोकतंत्र है, सब अपनी बात को रखें, अंततः जनता निर्णय करेगी कि किसका स्टैंड ठीक है, किसका स्टैंड गलत है। हर व्यक्ति को आजादी है, लेकिन आप जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में किया गया, एक ट्वीट से पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया, तो जानबूझ के तनाव पैदा किया जा रहा है ताकि लोगों को कहीं ना कहीं जहन में एक असुरक्षित भावना उनके जहन में बैठ जाए। उसके मैं विरोध में हूं, सबको खुली आजादी है, लेकिन हिंसा किसी को नहीं करनी चाहिए। जो कानून को अपने हाथ में लेगा वो सबका नुकसान कर रहा है, इसलिए हिंसा को कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। लेकिन अपनी बात रखने का, अपना धरना प्रदर्शन, अपने मजबूती से बात को रखें, ये हमारे लोकतंत्र में सबको खुली छूट दी है, वो सबको करना चाहिए।
यह है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको छूट मिली है लेकिन हिंसा की जगह नहीं है, और जिस तरह से सरकार जिस तरह से इस बिल को लेकर आई है जानबूझकर एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया गया है जिसकी वजह से लोगों में एक डर बैठा है, उस डर की वजह से यहां प्रदर्शन हो रहे हैं। कैमरामैन के साथ शरद कुमार, जयपुर।